प्रदेश भर में 3 लाख शिक्षा कर्मियों से संबंधित महत्वपूर्ण मांग को लेकर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ संभागीय स्तर पर एकत्रित हुए शिक्षकों ने अपने मांग के समर्थन में विचार विमर्श किया। मकरोनिया स्थित निजी मैरिज गार्डन में आयोजित एक संगोष्ठी में संभाग के साथ ही प्रदेश के कई शिक्षकों ने आगामी रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया। शिक्षकों ने बताया कि आगामी 23 जुलाई को शिक्षक गण भोपाल में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक बैठक का भी आयोजन करने जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा मांगे न माने जाने पर अन्य विकल्प भी खुले रखने की बात इन शिक्षकों ने कही है। ये कार्यक्रम अध्यापकों की वरिष्ठता के लेकर था, जिसमें वरिष्ठता बहाली मंच द्वारा हमारी जो वरिष्ठता को शून्य कर दिया गया है उसके उसमें रखा गया था एक संवाद के रूप में, तो जिसमें हम सब चाहते हैं अपने अधिकारियों से कि कर्मचारी आप भी हैं, कर्मचारी हम भी हैं, आप बड़े हैं हम छोटे हैं, आप बहुत से हमारे जो अधिकारी हैं वो भी दूसरे विभाग से आए हुए हैं, तो हम कैसे पंचायत विभाग से आके हमारी वरिष्ठता खत्म कर दी गई या शून्य कर दी गई, तो ये हमारा उनसे प्रश्न है और सब यही चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि हमारी वरिष्ठता प्रदान की जाए। सब परिवार और लोगों को लेके जाएंगे और जब तक हमें वरिष्ठता नहीं मिलती है तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना। सागर में आज 3 लाख अध्यापक संबल के कर्मचारियों को नियुक्ति दरांग से वरिष्ठता प्राप्त करने के लिए इस मंच आयोजित किया गया था। क्योंकि विदित होगा कि मध्य प्रदेश में 95-96 से नियमित शिक्षकों की सेवा शर्तों और उनके मूल पदनाम से हटकर नए-नए पदनाम से नियुक्त करना और नई-नई सेवा शर्तों के रखने से मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग की निरंतर छवि खराब होती जा रही है, गुणवत्ता में निरंतर ह्रास हो रहा है, शिक्षक छात्र अभिभावक सब परेशान है। इसी बात को लेकर हम सारे शिक्षकों की मांग थी कि हम लोगों को मूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया जाए, मूल पदनाम दिया जाए, लेकिन 1 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हम लोगों को मूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन करने के स्थान पर एक और नया कैडर दे दिया और हमारी 20 वर्ष की वरिष्ठता समाप्त कर दी। इससे हमें अध्यापक सम्मेलन में जो लाभ क्रमोन्नति के और ग्रेचुटी के प्राप्त होते थे वो भी समाप्त हो गए हैं। हम माननीय शिवराज सिंह चौहान से ये बात कर रहे हैं कि हमें वरिष्ठता दी जाए ताकि हमें क्रमोन्नति, ग्रेचुटी और भविष्य में लागू होने वाली पेंशन मिल जाए। चुनाव का समय है, 3 लाख अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों और उनके परिवार का समुचित लाभ लेने के लिए शिवराज सिंह हमारी मांग पे अवश्य विचार करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। भाई साहब, अन्यथा की स्थिति में आगे क्या रणनीति रहेगी? अन्यथा की स्थिति में चुनाव पास में है और लोकतंत्र में जो व्यक्ति को जो कार्य होता है वही करने के लिए 3 लाख अध्यापक संवर्ग कर्मचारी भी बस हो। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।